मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो जानकारी मिल रही है और वहां के लोकल मीडिया में चीज़ें छप रही हैं उससे जो नाम आ रहे हैं वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। इसमें हम किसी नाम के न तो सही होने का दावा कर रहे हैं और न ही गलत होने का दावा कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वो वहाँ के जो लोकल अखबारों में या मीडिया में खबरें आई हैं और जिन लोगों के फोटोग्राफ छपे हैं उसमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री, आप अंदाज़ा लगाइए शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है, एक पूर्व राज्यपाल हैं और इसके अलावा ढेरों मंत्री और नौकरशाह हैं। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो एक इंस्पेक्टर को हटाया गया है इस जाँच से, उनको ब्लूटूथ से उसकी क्लिपिंग ट्रांसफ़र करते हुए देख लिया गया था, तो जो SIT जांच कर रही है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरीके से वो जो 5000 क्लिपिंग्स और फाइलें हैं उसको वो सुरक्षित रखे, क्योंकि उसमें सभी के सभी बड़े नाम हैं। हालांकि वहाँ के विपक्ष के नेताओं और जो इस मामले से नहीं जुड़े हैं उन नेताओं और नौकरशाहों का मानना है कि इसकी जांच जो है CBI से होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के कई अधिकारी, प्रमुख सेक्रेटरी लेवल के कई अधिकारियों के नाम हैं। इसके अलावा कई IPS के भी नाम आ रहे हैं और नेता तो एक दर्जन के आसपास बताए ही जा रहे हैं, जिसमें से कि एक पूर्व राज्यपाल और एक जो है पूर्व मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। एक और मीडिया में जो है फोटो पिक जो है वायरल हो रही है, जिसमें कि जो श्वेता जैन है यानी कि जो गैंग की एक तरह से सरगना है, वो पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उनकी वाइफ साधना सिंह और जो पूर्व गृह मंत्री हैं उनकी वाइफ सरोज सिंह के साथ बैठी हुई है। खैर इस पिक से ये तो नहीं साबित किया जा सकता कि उनका क्या कनेक्शन है क्या नहीं, क्योंकि ये सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ में दिख जाते हैं, लेकिन हाँ ये जो वायरल ज़रूर हो रहा है कि पूर्व जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह और जो शिवराज सिंह चौहान की वाइफ के साथ बैठ करके ये गैंग की सरगना दिख रही है साफ साफ, वहाँ की ये लोकल मीडिया में ये भी चल रही है। एक और बड़ी बात ये आ रही है कि इसको रफा दफा करने की भी कोशिश चल रही है और कुछ खबरनवीसों के भी इसमें नाम आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इसमें दलाली का काम किया, किस तरह से अफसरों के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसको ये मैनेज कराते थे। और ये बात तो लगभग पहले आ ही चुकी है जांच के दौरान कि कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं उसमें भी वो कम से कम 30-40 लड़कियों को इसने अपने ट्रैप में फंसा लिया था, इसके अलावा मॉडल्स थी। तो अब देखना ये है कि जो SIT गठित हुई है वो कहाँ तक पहुँचती है, वो सही अंजाम तक पहुँचती है, या चूँकि इतने रसूख वाले लोग इसमें शामिल हैं तो इस मामले को दबा दिया जाता है। बहरहाल ये मामला जो है यदि सही से इसकी जांच हो जाए, CBI इंक्वायरी हो जाए, तो अब तक का देश का सबसे बड़ा हनी ट्रैप या सेक्स स्कैंडल ये साबित हो सकता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।